Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. अपने परिवार के 125 करोड़ लोगों की दिन रात फिक्र है माननीय प्रधानमंत्री जी को, और इसीलिए जन जन के स्वास्थ्य का ख्याल और देखभाल की नई नई शुरुआतें आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रही है। औषधियों की भारतीय प्रणाली श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करने के लिए हमारा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये शुभ शुरुआत करें। मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया पानीपत युद्ध की याद पर बने संग्रहालय का भी शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। और अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कुचैल करनाल की भी शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें माननीय, कृपया रिमोट दबाकर। करनाल महारथी कर्ण की धरती। थोड़ी देर पहले इस सिलसिले को विस्तार देते हुए स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जज्जर का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हो, कुरुक्षेत्र में आयुष यूनिवर्सिटी हो, करनाल में हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी हो, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हो, फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हो, ये तमाम प्रोजेक्ट हरियाणा वासियों के जीवन को स्वस्थ और सुगम बनाने वाले हैं। साथ ही यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी इन प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसके अलावा आज यहां पानीपत की लड़ाई से जुड़े म्यूजियम का भी शिलान्यास किया गया है। ये लड़ाई हमें देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सबक देती है, और मैं मनोहरलाल जी को इस बात के लिए भी अभिनंदन देता हूं कि पानीपत की लड़ाई का जो रूप उन्होंने कल्पना की है वो एक प्रकार से सदियों पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरे देश ने कंधे से कंधा मिलाकर के कैसी लड़ाई लड़ी थी इसका वो जीता जागता सबूत है। लाइक शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।